वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्हाइट एजुकेशन में। ये आज क्लास नंबर 6 है आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीपीओ सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेट में 40 प्रश्न होते हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट से। जी हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से जुड़े हुए प्रश्न है जो की आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर के पूछे कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे, जो कि करीब 10 साल 15 साल पहले से लगातार क्वेश्चन ये रिपीट भी हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए लगाते हैं सेट को, ज्यादा देर नहीं करते हैं और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। जी हाँ, व्हाइट एजुकेशन के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, तो जी हाँ, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे माध्यम से आप तक जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेट का, जो कि यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल अगर आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पे डी, यानी कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर राज्यों में और उपरोक्त सभी में, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है, जो कि पश्चिमी घाट की में भी पाया जाता है, और प्रायद्वीपीय भारत के समुद्री तटों पर भी पाया जाता है, उत्तर पूर्व में भी असम तक ये फैला हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, आंसर डी कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन किस क्षेत्र की बहुतायात में उगता है। सागौन, सागौन एक लकड़ी है ना, एक वृक्ष है, सागौन का वृक्ष होता है और इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इसका जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा उगने का वो कौन सा है, आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिल रहा है, बिल्कुल। अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, मध्य भारत में सबसे ज्यादा ये पाए जाने वाला क्षेत्र है, खासकर छत्तीसगढ़, नोट कर सकते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो है राज्य है, इन सभी जगहों पे ये वन में पाए जाने वाला एक वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 3, गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करते रहिएगा, और ये क्यूज रोज आपको 12 बजे दिया जाता है, सुबह के 9 बजे का स्टैटिक जीके वाला वीडियो जरूर देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें की खेती के लिए अनुकूल तापमान, जी हाँ, वाई करीब यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा कितने डिग्री, तो 15 से 20 डिग्री या 20 से 25 डिग्री भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे 15 से 20 डिग्री ही करेंगे, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग यहाँ पे मौसम के चलते भी यहाँ पे ये टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 15 से 20 डिग्री एक सामान्य तापमान माना जाता है, अगर हो तो इसमें खेती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉफी पौधे से किस भाग से प्राप्त होती है। चलिए आंसर करेंगे, कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है ये भी हमें बताएंगे आप, ठीक है, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। वैसे यहाँ पे इसका आंसर कर लीजिएगा, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा बीजांड से इसकी हमें प्राप्त होती है, यानी कि बीज से प्राप्त होती है, और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में होता है, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य सबसे टॉप पे है, पूरे देश का 53% जो है कॉफी वह खुद उत्पादन करता है, ठीक है। देखिए, सवाल अगर कर्नाटका से है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके सीएम का नाम क्या है, जी हाँ आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, और गवर्नर कौन है ये भी बताएंगे आप लोग हमको यहाँ पे, और यहाँ का कैपिटल कौन है ये भी बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कर्नाटका, जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के सीएम येदुरप्पा, ठीक है, नोट कर सकते हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, कर्नाटका के गवर्नर कौन है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दोस्तों जल्दी से, और इसकी कैपिटल सिटी ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आंसर क्या करेंगे दोस्तों, कर्नाटका के गवर्नर कौन है, जी हाँ बिल्कुल सही, बाजू भाई वाला, ये किसका उत्तर आया है यहाँ पे, तो नोट कर सकते हैं बाजू भाई वाला, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कैपिटल, जी हाँ कैपिटल क्या होती है, बेंगलुरु होती है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखिए कुल क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में संचित क्षेत्र की सर्वाधिक है। संचित क्षेत्र यानी कि सिंचाई वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा है, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स सी, उत्तर प्रदेश, नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे,
उत्तर प्रदेश में सबसे जो क्षेत्रफल है वो आपका संचित क्षेत्र है, यानी कि खेती के लिए सबसे ज्यादा यहाँ सिंचाई यहाँ पे की जाती है। दोस्तों कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है, कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है? चलिए आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आंसर करेंगे इट्स ए, या उड़ीसा इज द राइट आंसर। दोस्तों उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, ये आप याद रखिएगा। जी हाँ, और यहाँ के गवर्नर कौन है जल्दी से आंसर करेंगे। और देखिए बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा ये आपको पाया जाता है दोस्तों कहाँ पे, तो उड़ीसा में। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे अगर हम बात करें तो भारत का स्थान कितना है, तो पांचवा है, ये भी आप याद रखेंगे। और भारत में उड़ीसा राज्य सबसे ज्यादा इसके लिए अग्रणी है। तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है, देखिए आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल गणेशी लाल इज द राइट आंसर, गणेशी लाल। और आपको बता दें कि कैपिटल भुवनेश्वर, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये सारे डेटा आपको स्टैटिक पार्ट में याद रखने होंगे, ताकि ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा हर क्वेश्चन के साथ लगभग लगभग, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सैटेलाइट वैली किस राज्य में है, सैटेलाइट वैली किस राज्य में है, फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ बी, केरला में है, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और केरला के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम बताइए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, चलिए गवर्नर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आरिफ मोहम्मद, नोट कर सकते हैं आरिफ मोहम्मद जो कि यहाँ के गवर्नर हैं, खान इनका पूरा नाम है। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जी हाँ जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, ये आप याद रख सकते हैं। ओके, और दोस्तों आपको बता दें कि इसकी कैपिटल सिटी त्रिवेंद्रपुरम होती है, याद रखें, त्रिवेंद्रम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन डेटा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तालचेर यानी कि किसके लिए महत्वपूर्ण है, चलिए तालचेर जिसको उड़ीसा में है दोस्तों याद रखिएगा, ये एक भारी जल संयंत्र है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जी हाँ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैवी वाटर प्लांट, और महानदी पर ये स्थित है, बनाया गया इसको, जो कि महानदी उड़ीसा की एक नदी है दोस्तों, जी हाँ जहाँ पे ये भारी जल संयंत्र बनाया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आंसर करेंगे इट्स ए, जी हाँ महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, जल्दी से आंसर करेंगे भगत सिंह कोश्यारी, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों। और ये सारी डिटेल आप लिखते रहिए, है ना। और यहाँ की कैपिटल कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई होती है। और यहाँ आपको बता दें कि सूती वस्त्र मिलों का जो कारखाना है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों का रोजगार मिला हुआ है, चलिए आइए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वो भारत का कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा श्रमिक जो है वो आज रोजगार कर रहे हैं, तो बिल्कुल उत्तर कीजिएगा इट्स ए, जी हाँ लौह अयस्क, नोट कर सकते हैं दोस्तों इट्स अ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों गुप्त युग किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया, चलिए इतिहास का प्रश्न है ये, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे श्री गुप्त 275, जी हाँ श्री गुप्त का हुआ है 275 एडी में, ठीक है याद रखेंगे 275 AD में इसका विस्तार हुआ है, और किसका, तो श्री गुप्त का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दोस्तों हर्ष किस राजवंश से संबंधित हैं, चलिए आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, हर्ष किस राजवंश से संबंधित हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा यहाँ पे, फटाफट करते हैं यहाँ पे नीचे कमेंट। बिल्कुल हर्ष किस राज्य से संबंधित हैं, बिल्कुल नीचे कीजिएगा इट्स अ डी, पुष्य भीति इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा जिनका भी उत्तर आया है डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। किस शिलालेख के द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लवी पर विजय प्राप्त करने की सूचना मिलती है, इतिहास का यह प्रश्न आपके बिहार दरोगा, बिहार SSC और BPSC, ठीक है ये यहाँ पूछा गया है, तो ये तीनों सेक्शन में एग्जाम है पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, जी हाँ
किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लवी पर विजय प्राप्त करने की सूचना मिलती है? और ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जा सकता है दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, आंसर करेंगे इट्स अ डी, नौसासी तांबा प्लेट। नोट करेंगे इट्स अ नौसासी तांबा प्लेट। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसके शासनकाल में हेन स्वांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था? तो हेन स्वांग जो आया था चीनी यात्री था, ठीक है, ये चालुक्य राज्य का दौरा किया था किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के समय, ठीक है। और ये आकर यहाँ पे भारत के जितने भी धार्मिक स्थल है वो घूमा और यहाँ से कुछ ज्ञान भी अर्जित किया इन्होंने, ठीक है। हेन स्वांग जो है वो चीनी यात्री हुआ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि, कौन सी विधि विकसित की गई? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, देवताओं का पूजा किया करते थे और इसके लिए पटकल, बादामी आदि जो संस्थान थे वो भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। इसलिए आज मैंने जो स्टैटिक जीके का जो वीडियो दिया है सुबह 9 बजे का, ये वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पे इंपॉर्टेंट 25 ऐसे मंदिरों के नाम बताए गए हैं। जी हाँ, 25 ऐसे मंदिरों के जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कुछ क्वेश्चन वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ सी, बेसर विधि, ठीक है, जो कि बादामी चालुक्य थे। और ये जो चालुक्य जो थे ये किसकी विधि से करवाते थे? तो बेसर की विधि से करवाते थे। और द्रविड़ विधि से एक मंदिर का निर्माण करवाया गया है दोस्तों दक्षिण भारत में, उसका नाम बताइए, चूंकि आज मैंने सुबह के क्यूज में बताया भी है, ठीक है। द्रविड़ विधि से कौन सा मंदिर का निर्माण हुआ है उस मंदिर का नाम बताइए। बहुत फेमस और बहुत प्राचीन मंदिर है दक्षिण भारत का, ठीक है। सवाल का जवाब का आंसर का यहाँ पे आपका इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कांचीपुरम देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है और वैकुंठपुरम मंदिर बनवाया? कांचीपुरम की अभी देखिए, अगर हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे की जो साड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, ठीक है। तो कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठपुरम मंदिर बनवाया है? तो याद रखिएगा दोस्तों सी, नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। घटिका कौन थे? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का। बिल्कुल दोस्तों, श्रमण जैन और बौद्ध परंपराओं के सन्यासियों को हम लोग यहाँ पे श्रमण कहते थे। वहीं पे दोस्तों जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जी हाँ, वो घटिका कहलाते थे, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। यहाँ पे वैसे आप सी आंसर दीजिएगा, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान हुआ, ठीक है, उसको हम लोग घटिका कहते हैं। वैसे ब्राह्मणों को घटिका कहा गया है इस पुराण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाथी गुम्फा जो है शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है? हाथी गुम्फा जो है शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है? और ये आंसर कर देंगे दोस्तों इट्स अ डी, खारवेल। नोट कर सकते हैं, जी हाँ, खारवेल इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ सी, सामंत सेन। नोट कर सकते हैं इट्स अ सी, सामंत सेन, जिनका उत्तर सी आ रहा है, करेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, और दोस्तों आपको बताना होगा कि गुर्जर जो थे वो किस वंश से आते थे? गुर्जर, चूंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना, प्रतिहार वंश से गुर्जर आए थे, प्रतिहार वंश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि ताक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के हरा था? चलिए आंसर करेंगे तारकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हरा था? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स डी, परांतक का प्रथम। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2017 के पेपर में, इसलिए आंसर सोच समझ के आप लोग भी कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने का एक नंबर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। आते हैं कुछ क्वेश्चन, जी हाँ, साइंस की तरफ। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ B12। नोट कर सकते हैं, कोबाल्ट धातु पाया जाता है जो कि शरीर में संतुलित कार्य प्रणाली के बेहद आवश्यक होते हैं और यह खून की कमी नहीं होने देती है, साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में ये सहायक भी होते हैं। आंसर डी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पित्त का निर्माण होता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों कहाँ होता है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यकृत में। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे दोस्तों, एक तरल पदार्थ है जो कि शरीर के अंतर्गत यकृत में बनता है और इसका रंग नीलापन या
पीला या स्वाद कड़वा होता है इसका, याद रखिएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट्स अ बी। जी हाँ, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, जी हाँ विटामिन सी। और दोस्तों आपको बता दें विटामिन सी ये एल एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि मानव और विभिन्न के अन्य पशुओं की प्रजाति में ये पाया जाता है, उसका आवश्यक पोषक तत्व भी होता है ये, ठीक है। चलिए विटामिन सी का प्रयोग जरूर करें अभी, क्योंकि COVID-19 से लड़ने में ये विटामिन बहुत ही ज्यादा आपका फायदा कर रहा है, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पीते रहें या फिर संतरे खाते रहें, ठीक है। अगर आपको सर्दी का प्रॉब्लम नहीं है तो ही खाइएगा, ठीक है। और नींबू पानी तो जरूर पिए, गर्म पानी के साथ पी सकते हैं, जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 पे। चलिए, वायरस रोग है, बिल्कुल यह किस तरह का रोग है इसमें बताइए। इट्स ए इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरस रोग है। दोस्तों आपको बता दें वायरस जो अभी हमारे पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है वो है COVID-19। जी हाँ, कोविड यानी कि कोरोना, वी आई फॉर वायरस और डी फॉर डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। और 19 किस लिए? तो नवंबर नवंबर 2019 में एक पहला केस पाया गया था चाइना में, क्योंकि चाइना से सवाल जुड़ा है तो याद रखेंगे इसकी राजधानी कहाँ होती है दोस्तों, तो बीजिंग होती है, ठीक है। और इसके जो रेनिन भी है वो क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ की करेंसी होती है। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग, ठीक है। चलिए नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने ये पुस्तक लिखी थी और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की तरफ। बैक्टीरिया फोज क्या है? बैक्टीरिया फोज क्या है दोस्तों? तो आंसर करेंगे ये एक तरह का वायरस जो कि जीवाणु को भक्षण करता है, क्या करता है? जीवाणुओं को खाता है, ठीक है, एक तरह का वायरस है ये। क्वेश्चन नंबर 27, उपपचयी एंजाइम उपस्थित होता है, उपपचीय है ना, उपपचीय एंजाइम उपस्थित होता है। नोट कर सकते हैं इट्स अ सी, विषाणुओं में, ठीक है, विषाणुओं में यह उपस्थित होता है, आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ में, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा विषाणु, ये भी सीपीओ का ही क्वेश्चन है 2016 का। आंसर करेंगे दोस्तों इट्स ए, पोक्स विषाणु को कहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा विषाणु पोक्स विषाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, जीवित जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ बी, जी हाँ। नोट कर सकते हैं रूसी वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर इनोविच ओपरिन, नोट कर सकते हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर इवोनोविच, जिन्होंने 1924 में इसका पुस्तक का उत्पत्ति किया, यहाँ पे जीव का उत्पत्ति के नाम पर ये पुस्तक लिखी है, जीवन की उत्पत्ति, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स ए इज द राइट आंसर, मोनोसेकेराइड्स। नोट कर सकते हैं मोनोसेकेराइड्स इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण होता है, जिसमें कि 6 कार्बन परमाणु, 5 OH और समूह होते हैं और एक एल्डिहाइड का समूह बनता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन यहाँ पे मोनोसेकेराइड होता है ये, क्या दोस्तों? पाचन का अंतिम उत्पादन। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं और कुछ देखते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट्स अ सी, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति कब लाई गई थी? जल्दी से आंसर करेंगे, ये हुआ था 1976 में, यहाँ 44वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये लाया गया स्वर्ण सिंह समिति। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह उनका नाम था, इसलिए दोस्तों उन्हीं के नाम पे ये समिति का नाम भी रखा गया। इस समिति में स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी आवश्यकताओं पर सिफारिश करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है?
मतलब किसमें ये वर्णित है ये बताना है, राज्य की सूची में, संघ की सूची में, समवर्ती में, या फिर किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। तो आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, समवर्ती सूची में इसको ये डाला गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 33। कल्याणकारी राज्य संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इट्स ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, आंसर ए कर लेंगे। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बिल्कुल याद रखिएगा, ये भाग 4 में हमें बताया गया है, और अनुच्छेद अगर बात करें तो 36 से लेकर 51 तक के मध्य में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आयरलैंड से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो आंसर करेंगे, इट्स अ सी, चुनाव आयोग, यो सॉरी माफ कीजिए, योजना आयोग। ठीक है, इट्स अ सी, योजना आयोग, जो कि अब इसको खत्म किया जा चुका है 2015 में, एक इसके जगह पे लेकर आया गया दोस्तों नीति आयोग, जिसका भी सर्वे सर्वा कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ही होता है, और योजना आयोग का भी सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया है दोस्तों अगस्त 2014 में। ठीक है, अगस्त 2014 में इसको खत्म किया गया, और 2015 1 जनवरी से क्या लागू किया गया दोस्तों, तो नीति आयोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? सेम क्वेश्चन आ गया क्या? बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा, योजना आयोग। देखिए यहाँ पे आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पे योजना आयोग संविधान का संविधानेतर संस्थान जो है योजना आयोग से होता है, यहाँ पे आंसर गलत कर दिया गया है 35 नंबर पे, सुधार कर लीजिएगा, वैसे में सी हो जाएगा आंसर, यहाँ भी, यहाँ बी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों का संख्या बढ़ने से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, जी हाँ, 7वां और 31वां नोट कर सकते हैं, जी हाँ, आर्टिकल 7 और सॉरी जो संविधान संशोधन है ये, ठीक है, 7वां और 31वां, ये किसे संबंधित है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, दोस्तों भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद, बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ सी, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का घोषणा किया गया है, अंत का। ठीक है, जो कि अंत होता है इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स ए बी, आर्टिकल 51 के तहत इसको बताया गया है, जो कि मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत रखा गया है, वन, झील, नदी, अन्य जीवों को भी यहाँ पे, और इसके लिए रक्षा करती है, इसका संवर्धन करती है, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखती है। ठीक है, हमारा संविधान। क्वेश्चन नंबर 39, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक पद पर रह सकता है? या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य बिना राज्य विधानसभा के सदस्य बने कितने समय तक ये पद पर रह सकता है? तो याद रखिएगा, इट्स अ बी, 6 वर्षों तक। ठीक है, राज्यसभा का, ठीक है, राज्य विधानसभा का वो सदस्य रह सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, वह कौन सा अपराध है जिसे घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने के अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो SSC, NTPC जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न लेकर आ रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, आत्महत्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ऐसे प्रश्न क्वेश्चन जो हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, RRB में, NTPC के एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में, देखिएगा,
एसएससी का बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है, जैसे सीपीओ का है, सीएचएसएल का बचा हुआ है जो एग्जाम है उसमें एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये सब, या सीजीएल का जो पेपर आप लोग देने वाले हैं जी हाँ 2019 वाला उसमें पूछ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसको ये सारे जो क्वेश्चन है वो कवर अप करते हैं, और इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा एनहांसमेंट मतलब बढ़ाएंगे इस चीज को, और इस चीज में सुधार क्या करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़े नए पैटर्न के भी लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके हमें जरूर बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।